का कॉल आ गया। हेलो ट्रेडी। हेलो ट्रेडी, तुमको पता है आज मैंने फाइनली माइनक्राफ्ट को डाउनलोड कर लिया। हाँ तो उसमें मैं क्या करूँ। वैसे उस माइनक्राफ्ट का नेम क्या है बताना जरा। नेम पक्का भी माइनक्राफ्ट ट्रायल बोलेगा। हाँ तो इसका नाम है माइनक्राफ्ट ट्रायल। वाह क्या ही माइनक्राफ्ट डाउनलोड किया है, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अरे नूब, ये माइनक्राफ्ट का ट्रायल वर्जन है ना कि माइनक्राफ्ट का फुल वर्जन। मतलब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तुम देखकर खुद ही समझ जाना। अच्छा ठीक है, समझाओ। हेलो गाइस, तो क्या आप लोगों को भी जब माइनक्राफ्ट के बारे में पता चला था तो फिर आप लोगों ने भी माइनक्राफ्ट ट्रायल डाउनलोड किया था? तो क्या आप लोगों को भी जानना है माइनक्राफ्ट ट्रायल और माइनक्राफ्ट फुल वर्जन के बीच में डिफरेंसेस? हाँ। अरे यही टॉपिक पर तो बात करने वाला हूँ पूरी वीडियो के अंदर। सो या इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखना, और हम लोग 70 के सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। सो या जितने भी लोग चैनल पे न्यू आए हुए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज, अगर आप लोग इस वाली वीडियो पर 150 प्लस लाइक्स करवा देते हो तो फिर मैं अपना रिलीज करने वाला हूँ 1 ब्लॉक का सीरीज, और साथ ही साथ 100 डेज की वीडियोस, वो भी हार्ड कोर में। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, फटाफट से यहाँ पर 150 लाइक्स करवाओ और मैं ये सब रिलीज करूंगा। सो अब मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर के डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये दोनों की प्राइस क्या है। सो माइनक्राफ्ट ट्रायल आप लोग को प्ले स्टोर पे बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा और इसकी डाउनलोड साइज है 123 MB, एंड माइनक्राफ्ट फुल वर्जन का प्ले स्टोर पे प्राइस है $6.99, जिसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो हो जाएगा अप्रोक्स 650 रुपीज, जो कि तब भी बहुत ज्यादा है। एंड गाइस, क्या मैं आप लोग को एक फन फैक्ट बताऊं कि माइनक्राफ्ट का जो ट्रायल वर्जन है उसका डाउनलोड है 100 मिलियन प्लस, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बट यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट कि माइनक्राफ्ट का जो फुल वर्जन है उसका डाउनलोड्स कम है माइनक्राफ्ट ट्रायल से। मतलब माइनक्राफ्ट ट्रायल का है 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स, लेकिन माइनक्राफ्ट का जो फुल वर्जन है उसका डाउनलोड्स है ओनली 10 मिलियन प्लस। माइनक्राफ्ट फुल वर्जन भी लाइक गजब बेइज्जती है। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड नंबर डिफरेंस के बारे में, मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ प्लेइंग माइनक्राफ्ट। तो अगर आप लोग पास माइनक्राफ्ट फुल वर्जन है तो फिर आप लोग अनलिमिटेड टाइम तक माइनक्राफ्ट खेल सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7। ओके सॉरी, भावना में कुछ ज्यादा ही बह गया था। लेकिन अगर आपके पास माइनक्राफ्ट ट्रायल है तो फिर आप लोग 30 मिनट खेलोगे, 60 मिनट खेलोगे, 90 मिनट्स के बाद मोजैंग आपको खेलने ही नहीं देगा। अरे सिंपल लैंग्वेज में आप लोग 90 मिनट से ज्यादा माइनक्राफ्ट ट्रायल को खेल ही नहीं सकते हो। हाँ तो ये बोलना तब से घुमाए क्यों जा रहा था। अरे तुम समझते नहीं हो, वीडियो को कैसे भी करके लंबी बनानी है। हाँ तो एक चीज मैं बताना भूल गया, आप लोग के मन में भी आ रहा होगा कि माइनक्राफ्ट ट्रायल वर्जन फ्री क्यों है और माइनक्राफ्ट का फुल वर्जन जो है वो पेड क्यों है। दोनों तो पेड होना चाहिए या फिर दोनों फ्री होना चाहिए, दोनों तो मोजैंग ने बनाया इसलिए। तो देखो, माइनक्राफ्ट ट्रायल वर्जन फ्री क्यों है, तो ट्रायल वर्जन इसलिए फ्री है माइनक्राफ्ट का क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें बस सर्वाइवल आप लोग खेल सकते हो, वो भी 90 मिनट्स के अंदर अंदर ही आप लोग खेल सकते हो, उसके बाद मोजैंग आपको खेलने ही नहीं देगा जैसा कि मैंने बताया। तो हाँ, इसमें आप लोग सर्वाइवल खेल सकते हो लेकिन आप लोग का प्रोग्रेस सेव नहीं होगा। लेकिन आप लोग इसमें क्रिएटिव मोड नहीं खेल सकते हो, स्पेक्टेटर नहीं कर सकते हो, हार्डकोर नहीं कर सकते हो, एडवेंचर नहीं कर सकते हो। वैसे माइनक्राफ्ट फुल वर्जन में कब से आ गया स्पेक्टेटर और हार्डकोर। सो या माइनक्राफ्ट ट्रेल वर्जन में आप लोग को प्रोग्रेस सेव करने को नहीं मिलती है, लेकिन जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन मतलब माइनक्राफ्ट का जो फुल वर्जन है उसमें आप लोग अपना प्रोग्रेस को सेव कर सकते हो, चाहे वो साइन अप हो या फिर साइन अप ना हो। एंड हाँ, माइनक्राफ्ट ट्रेल वर्जन में आप लोग को ना सर्वर्स देखने को मिलेगा, ना ही कोई आप मॉड इंस्टॉल कर सकते हो माइनक्राफ्ट ट्रेल वर्जन में, लेकिन हम लोग के माइनक्राफ्ट के फुल वर्जन में तो सब कुछ मिल जाता है। सो एट द एंड हम लोग का रिजल्ट ये निकल के आता है कि माइनक्राफ्ट का जो फुल वर्जन है वही सबसे बेस्ट है, लेकिन माइनक्राफ्ट ट्रायल वर्जन भी अपनी जगह पर ठीक है क्योंकि वो भी फ्री मिलता है। अगर आप लोग को फ्री में माइनक्राफ्ट को एक्सपीरियंस करना है कुछ देर के लिए तो फिर आप लोग माइनक्राफ्ट ट्रायल को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो फिर माइनक्राफ्ट फुल वर्जन को परचेज भी कर लो, लेकिन सबके पास 650 रुपीज थोड़ी रहते हैं। सो आई थिंक मैंने सारे डिफरेंसेस बता दिए माइनक्राफ्ट फुल वर्जन और माइनक्राफ्ट ट्रायल वर्जन के बीच में, और अगर आप लोग को ये सारे डिफरेंसेस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर न्यू हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ ना सब्सक्राइब कर दो, किस चीज का वेट कर रहे हो। एंड अगर आप लोग को नहीं पता कि हम लोग का डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो फटाफट से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाके ज्वाइन कर लो। ओह वीडियो फिर से छोटी बन गई, बट हू केयर्स। एंड हाँ, मैंने इस वाले वीडियो में ट्रेल को ट्रायल बोला है, ट्रायल को ट्रेल बोला है, तो हाँ उसे इग्नोर करना। एंड यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।